यहाँ पे मैं रेडी हो गई और आज की मेरी ड्रेस है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, साथ के साथ अपनी अल्ट्रासाउंड भी करवानी है। ये मेरा 8 मंथ चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सभी मम्मी इस टाइम पे एक्साइटेड होती है जब अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे होते। साथ के साथ थोड़ी सी नर्वस भी होती है, क्योंकि इस टाइम पर आपको आपकी बीवी के बारे में पता भी तो चलता है, तो सब कुछ अच्छा हो, टच वुड, बस यही प्रे कर रही हूँ कोई दिक्कत ना हो, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही हो, उसका वेट इस टाइम पर सही से इंक्रीज हो रहा हो, कोई नोट नहीं है, सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। बस अभी तो मैं भगवान से यही प्रे कर रही हूँ सब कुछ अच्छा हो। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रिपोर्ट में क्या रहता है, किस कैसी आती है। बस थोड़ा सी एक्साइटेड के साथ साथ डरी हुई भी हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है, हर चीज़ प्रॉपर चले तो ज़्यादा अच्छा है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े, बेबी प्रॉपर सही से आए। पहले मैंने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, इस टाइम पे मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और पहले भी मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू से होती आ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई भी हूँ। तो बस ये स्किन बिल्कुल ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे आगे क्या क्या होता है, तो चलो चलते हैं पहले। एंड आपको पता है कृष्णा है ना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हम लोगों में से मिलने के लिए, देखने के लिए। देखते हैं, पता है अंदर जाना तो अलाउ होता है, बट अंदर है ना रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती। तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में मार्केट था, तो मार्केट आ गई थी मैं। मैंने सोचा थोड़ी देर मार्केट घूम लेती हूँ, कुछ भी पसंद आया तो ले लूँगी यहाँ से मैं। यहाँ मैं बस नहा के आई हूँ, नहा के आने के बाद में अभी खाना बना रही हूँ, भूख लगने लग गई थी तो सिंपल से आलू प्याज की सब्जी बना रही हूँ, रोटी बनाऊंगी और कुछ नहीं। इतनी गर्मी हो रही थी और चिपचिप फील हो रहा था, थोड़ी बारिश भी आ गई थी तो भीग गए थे, तो फिर नहाना जरूरी हो गया था। फिर नहा के मैंने पता हूँ वॉशरूम में कपड़े लेके गई तो गिर गए, तो फिर से यही पहन के आई, क्या करूँ, ऑप्शन ही नहीं बचा था। हाँ बेटा, अल्ट्रासाउंड जब हम कराने जाते हैं ना, सब कुछ सही है, इन्हें भी एंट्री मिल जाती है, कृष्णा भी अंदर चला जाता है, पर सबसे बेकार चीज़ जो मुझे लगती है ना वो ये है कि जो मोमेंट्स होते हैं ना उन्हें कैप्चर नहीं करने देते, फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, और साइलेंट मोड पे भी करवा लेते अगर आप अंदर लेके जा रहे हो ना, बाहर नहीं निकाल सकते, तो कोई भी मोमेंट्स में कैप्चर नहीं कर पाई अपने बेबी की। स्टार्टिंग में फिर भी मैं कर पाई थी, वहाँ अलाउ था, बट अब अलाउ नहीं, वो भी चुपके से थोड़ा सा किया था, बट यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, तो बस फिर क्या कर सकते हैं, तो नहीं किया। बट चलो इन्होंने देख लिया, कृष्णा ने देख लिया, उतना ही इनफ है, वरना इनको भी एंट्री नहीं मिलती तो फिर हम क्या ही कर सकते थे। बस घर आने के बाद में मैंने सिंपल सा खाना बनाया था, आलू प्याज की सब्जी बनाई और रोटी सेक रही हूँ। एंड आप लोगों की प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, कौन सा मंथ चल रहा है, कमेंट करके मुझे बताना। अगर आप लोग प्रेगनेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बताना। अभी बस खाना पीना सब कुछ हो गया है, सारे काम से मैं फ्री हो गई, किचन का भी सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया जितना हो पा रहा था, वैसे तो मैंने आज कर ही दिया, इन्होंने भी मेरी हेल्प की थी तो काम इजीली हो गया। एंड मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आपसे बैठ के अपनी रिपोर्ट शेयर करो कि कैसी रही मेरा अल्ट्रासाउंड का आज का डे कैसा रहा। तो जो रिपोर्ट थी ना, वैसे तो सब कुछ नॉर्मल आया है, बट जो एक चीज है जो बेकार आई है वो ये है कि एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो मेरा लेवल अभी थोड़ा सा कम हो चुका है, और मैं अभी बिल्कुल भी सेफ जोन में नहीं चल रही। डॉक्टर ने तो अभी कल डॉक्टर को दिखा के आऊंगी यार, एक और चीज़ लिस्ट में ऐड हो गई, पहले ही बहुत सारी चीज़ थी जो मुझे कल डॉक्टर के साथ डिस्कशन करनी थी, बट अब देखते ये भी डिस्कशन करना ही पड़ेगा। और वैसे मैंने गूगल पे भी सर्च कर रही हूँ, और लेवल जैसे कि अल्ट्रासाउंड वाले अंकल जो डॉक्टर थे उन्होंने भी मुझे बताया कि किस तरीके से क्या क्या आपको खाना चाहिए जिससे कि आपका वाटर का लेवल इंक्रीज हो। तो बस मैं अपने डाइट में चेंजेज करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत लेवल अप हो कि जिससे कि मेरा बेबी एटलीस्ट सेफ जोन में तो पहुंचे ना। अभी बिल्कुल भी सेफ जोन में नहीं, अगर इस टाइम पे कुछ भी करना पड़ता है तो सेफ जोन नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि बेबी सेफ जोन में आए, और भगवान प्लीज मेरा जो वाटर का लेवल है वो इम्प्रूव हो जाए और कम नहीं हो, जैसे कि जब चल रहा है उस लेवल से भी कम नहीं होना चाहिए। अभी चलो बेबी सर्वाइव तो कर रहा है, वरना अगर कम होने लगा लेवल तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर इमरजेंसी में कुछ देखना होगा। इस बार की जर्नी तो ऐसे ही जा रही है, जैसे कि रोलर कोस्टर होता है ना, कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। तो जाने से पहले मुझे ना इतना मतलब एक्साइटमेंट से ज्यादा
जाने से पहले ही एक्साइटमेंट से जा रहा तो मुझे डर लगने लग जाता है कि क्या ही बोलूँगी यार, ये क्या क्या हो रहा है। कल डॉक्टर के पास जाऊंगी, दिखा के आऊंगी, भगवान जी प्लीज सब कुछ अच्छा हो। मन में बहुत डर सा भी लग रहा होता है ना कि मेरे को जो मुझे है ना इस वक्त हेमरॉइड की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डॉक्टर क्या बोलता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आज का वीडियो तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरी बीबी की एंड करने से पहले आपको दिखाती हूँ क्यूट से मेरी बीबी की जो रिपोर्ट रही है। अच्छा लगता है बीबी से मिलके, सब कुछ ठीक है, वेट वगैरह भी बीबी का ठीक है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो एमनियोटिक फ्लूइड की ही है, तो उसके लिए तो मुझे अपनी डाइट में चेंजेस करने ही होंगे, तो वो करूंगी। हर चीज को मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप पॉजिटिव लो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो यार, भगवान ने हमें हमारा बेबी दिया है तो सही सलामत उनकी ही उनकी रहमत होगी कि हमें सही सलामत हमारा बेबी दुनिया में भी आएगा। मैं तो बस इतना मानती हूँ, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ चाहे कितना ही कुछ क्यों ना हो। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ दोस्तों।